गुड मॉर्निंग बच्चों, यह कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में क्लास तो बंद वगैरह बंद ही है, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है और हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप लोग सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वो लगवा लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और अपना घर पर जो वीडियो वगैरह हम लोगों का है, इसको आप अपना घर पर रह के देखिए, पढ़िए आराम से, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वह है भक्ति धारा के अंतर्गत निर्गुण ज्ञान आश्रयी काव्य धारा। जैसा कि आप जानते हैं, निर्गुण ज्ञान आश्रयी धारा भक्ति धारा का एक पार्ट है। भक्ति धारा दो पार्टों में विभाजित है, सगुण और निर्गुण, ठीक है। तो निर्गुण में भी दो पार्ट हो जाते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो आज ज्ञानाश्रयी शाखा पे हमारा यह वीडियो आधारित है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। संत काव्य धारा कहने का तात्पर्य यह है कि जितने इसमें कवि हुए हैं वे सभी मुख्य रूप से समाज सुधारक थे। समाज में जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, पाखंड थे, वे उस सबको दूर करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, वो इस समाज में रह करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके। उसके अंदर प्रेम हो, भाईचारा हो, परोपकार हो, ठीक है, उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो। तो ये सारे जितने कवि हुए मुख्य रूप से, इन सभी कवियों का यही विचार था कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सके, समाज में मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रह सके, और वह जो करना चाहता है अपना सर्वांगीण विकास निश्चिंत होकर, शांत होकर, आराम से कर सके। तो इस काव्यधारा में जो प्रमुख कवि हैं उनको हम आपको पहले बता देते हैं। इस काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो कबीरदास जी स्वीकार किए गए हैं। कबीरदास जी आते हैं, रैदास जी आते हैं, नानक जी आते हैं इसमें, दादू दयाल जी आते हैं, सुंदरदास जी आते हैं, रज्जब हैं, मलूकदास हैं, हरिदास निरंजनी जी हैं, हरिदास निरंजनी हो गए, धर्मदास हो गए, पीपा, सेन, धन्ना, ये सब निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जिसमें इतने कवियों का हमने आपको नाम दिया, तो अधिकांश कवि इसके ऐसे थे जो अनपढ़, जिसको आप कह सकते हैं गवार उनको नहीं कहा जाएगा, अनपढ़ कहा जाएगा, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, केवल भ्रमण के द्वारा, भिक्षाटन के द्वारा, देशाटन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और वहाँ के भावों को, वहाँ के विचारों को, वहाँ के संस्कृतियों को आत्मसात कर लेते थे, और उन्हीं भावों, विचारों, संस्कृतियों को मिला करके ये अपने काव्य की सर्जना करते थे। ये खुद जो भी इनकी भावनाएँ थी, विचार थे, तो ये जब मंडली बैठती थी, सत्संग करते थे, तो सत्संग में अपने उन भावनाओं को, विचारों को ये कहते थे, तो इनके जो शिष्य होते थे आगे चल करके उन भावों को, विचारों को संकलित करके पुस्तक का नाम दे दिए हैं। तो उसी तरीके से जैसे कबीरदास हैं, तो कबीरदास जी ने अपने लिए खुद ही कहा है कि मस कागज छुएओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी कलम और कागज अपने हाथ से छुआ ही नहीं। तो केवल इनके जो भाव और विचार थे, तो इनके एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य हुए जिनका नाम धर्मदास था। तो धर्मदास जी ने उनके भावों, विचारों को, जो उनकी उन्होंने कहा समाज में, उसको आधार बना करके इन्होंने इनके रचना, उसको एक रचना के रूप में प्रकाशित करवाया, जो बीजक नाम से आप लोग जानते होंगे। तो बीजक में इनके साखी, सबद, रमायणी तीनों का उल्लेख है। उसके बाद इन सारे कवियों में सुंदरदास जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे थे। इनका शिक्षा दीक्षा व्यवहारिक रूप से एकदम नियम कानून के तहत अच्छे से हुआ था। जैसा इनका नाम है सुंदरदास, ये उसी तरीके से सुंदर भी थे, लंबे, चौड़े, हट्टे कट्टे, गोरे,
सुंदरता के साथ साथ विद्वता भी इनके अंदर समाहित थी, क्योंकि सारी शिक्षा दीक्षा ये व्यवस्थित रूप से ग्रहण किए थे। तो पूरे ज्ञानाश्रयी शाखा में केवल सुंदरदास ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे थे, और बाकी सब केवल घूमते टहलते जो समाज से उन्हें मिल गया, वहाँ की भाषा वहाँ की बोली उसको मिला करके अपने काव्य का ये सर्जना करते थे। तो मुख्य रूप से इतने ही इसमें कवि हैं। एक कवि इसमें मलूक दास जी आते हैं जो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। इनका एक दोहा आप लोग जानते होंगे, इलाहाबाद के रहने वाले थे, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये वही मलूक दास जी हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का, तो उसको मैं क्रम से जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको आपको बता दे रहा हूं, समझ लीजिए आप। तो पहली जो ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषता है वह है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो भक्त कवि हुए हैं उन्होंने ईश्वर का जो रूप निर्धारित किया है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम हैं उन्होंने कहा कि दशरथ सुक्ति लोक बखाना और राम नाम का मरम है जाना। तो मतलब इनके जो राम हैं वो दशरथ के सुत नहीं हैं, उनके पुत्र नहीं हैं, लेकिन उन्हीं को आधार बना करके इन्होंने अपनी काव्य रचना की है, काव्य सर्जना की है। तो निर्गुण ब्रह्म इनके प्रमुख आधार है। ये ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो निराकार ब्रह्म की उपासना ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों का प्रमुख आधार है। दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता आती है वह आता है गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता भक्त काल के सभी कवि हों, चाहे वो सगुण के हों चाहे निर्गुण के हों, वो गुरु के बिना कहते हैं कि हमारा जीवन उसी प्रकार सूना रहेगा, यदि गुरु नहीं रहेगा तो हमारा पूरा जीवन एकदम सूना का सूना रहेगा। तो गुरु के महत्व को ये प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि मतलब गुरु आपकी ही बलिहारी है कि आपने भगवान से हमारा आत्मसात करा दिया, मतलब ब्रह्म से भी स्थान बढ़ करके इन्होंने गुरु का स्वीकार किया है। अगली जो विशेषता आती है वह है जात पात का विरोध। जात पात का विरोध से मतलब यह है कि चाहे आप उच्च वर्ग के हों निम्न वर्ग के हों, सभी संत कवियों ने किसी जात को किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया है। इनका विचार है कि चाहे आप उच्च वर्ग के हों चाहे निम्न वर्ग के हों, हैं तो आप मानव ही, और मानव के अंदर केवल एक ही गुण होना चाहिए, प्रेम का, भाईचारा का, सद्भाव का, उसके अंदर कहीं कोई दूसरा गुण समाहित नहीं होना चाहिए। तो जात पात का इन्होंने विरोध अपने काव्य के माध्यम से किया। उन्होंने सीधे कहा, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब जो भगवान का भजन करता है वही भगवान का परम भक्त है, और इस संसार में कोई नहीं है। अगला जो पॉइंट इसमें आता है वह है आडंबरों का विरोध। वह है आडंबर से मतलब कि समाज में दिखाने के लिए आदमी तमाम तरीके का कार्य व्यापार करता रहता है, केवल उससे उसको व्यक्तिगत लाभ हो या न हो, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए तमाम तरीके के तामझाम फैलाता है इस समाज में। तो उस चीज़ का ज्ञानाश्रयी धारा के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने उसका खुल करके विरोध किया है।
वह आडंबर का विरोध करते हुए, जैसे यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हिंदू कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ मानव हैं, तो वहीं जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो उसी तरीके से इनको धिक्कारते हुए उन्होंने, जैसे मुस्लिम वर्ग है उसको उन्होंने कहा, काकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लियो बनाए और तापर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब इस तरीके से उन्होंने उनके समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया। हिंदुओं की जब बात आती है तो हिंदुओं से वो कहते हैं, उस समय का जो तत्कालीन समाज था, तो यहाँ जो विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे थे, अपने आप को पंडित कहते थे, समाज में तमाम तरीके की भ्रांतियाँ उन्होंने फैला रखी थी। बाल हमेशा मुड़ा करके मोटी मोटी चुंडियाँ वो रखते थे और समाज को गुमराह किया करते थे कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए, कि समाज यदि इस तरीके से हमारी बातों को मानेगा तो हमको कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा। तो उसी को धिक्कारते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि मूड़ मुड़ाए हर मिले, हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वह है इसमें राजाश्रय से मोह त्याग। भक्त काल के जितने भी कवि हुए हैं वो उस समय जबकि राज दरबारों का दौर था, राजाओं का दौर था, छोटी छोटी रियासतों का दौर था, तो सभी जगह कोई ना कोई राजा महाराजा प्रतिष्ठित था। लेकिन जितने भी इस काल के कवि हुए हैं, चाहे कबीर, नानक, रैदास, पीपा, सेन, धर्मदास, मलूकदास, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो धन संपदा के लालच में किसी राजा के यहाँ आश्रय ले ले, उसकी चारित्रकारिता करे, उसको प्रसन्न करने के लिए उसके हिसाब से काव्य रचना करे। कहने का तात्पर्य, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे कवि थे जिनको धन संपदा मोहमाया से कोई मतलब ही नहीं था। और जब आदमी को धन संपदा मोहमाया की ज़रूरत नहीं है, जब उसको धन ही नहीं चाहिए तो उसको राजाश्रय क्यों चाहिए। तो इसीलिए जितने भी कवि हुए उन्होंने राजाश्रय का त्याग कर दिया। अगली जो विशेषता आती है वह है लोक भाषा का प्रयोग। इस काल के सभी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में जो प्रचलित भाषाएं थी, चाहे वो अवधी हो, ब्रज हो, लोकल यहाँ की जो भाषाएं हो, देशज भाषाएं हो, उन सब का इन्होंने प्रयोग किया है, चाहे वो नानक हो, रैदास हो, पीपा हो, सेन हो, कोई भी हो। तो इसीलिए इनकी इसमें जो कबीरदास जी हुए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया। सधुक्कड़ी से मतलब उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो उसका तात्पर्य है कि उसमें अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मतलब तमाम तरीके की भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। तो जितने भी कवि इस भक्त काव्य में हुए वे जो अपने काव्य का आधार के लिए जो भाषा का चयन किया वो सधुक्कड़ी भाषा, मतलब देशज भाषा, बोलचाल की भाषा। इसीलिए इनका जो काव्य है वह उस समय के जनमानस में बड़ा प्रिय हुआ। प्रिय होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो यहाँ की जनता थी वो गरीब थी, अशिक्षित थी। तो जब अशिक्षित लोग हैं तो उनके यहाँ जो सामान्य जनमानस की भाषा है, यदि आप उसमें संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो अगली विशेषता आती है वह है अनुभव की अधिकता। अनुभव की अधिकता से इनका तात्पर्य यह है कि समाज में आप जितना इस समाज से ज्ञान अर्जन करेंगे वह कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होगा। किताबी ज्ञान व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकता, क्योंकि वह एकांगी होता है। जब तक आपको इस समाज का ज्ञान नहीं होगा, इस देश का ज्ञान नहीं होगा, यहाँ की परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा, नैतिक मूल्यों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप सर्वश्रेष्ठ मानव नहीं कहे जा सकते। और जब तक यह अनुभव आपको आएगा कहाँ से, इसी समाज से, यहाँ की
यहाँ के रीति रिवाज से, यहाँ के परंपराओं से, जब आप जितना घूमेंगे टहलेंगे, अध्ययन करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उतना ही जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उतना आपके अंदर ज्ञान की भावना आपकी प्रबल होती जाएगी। तो इन भक्त कवियों ने कहा है कि मैं कहता आखिन की देखी और तू कहता कागज की लेखी, कि मतलब मैंने जो अपनी आँखों से देखा है, जो अनुभव किया है उसको बताता हूँ, लेकिन एक आप हैं कि आप यह किताबों में वर्णित है या हमने यहाँ पढ़ा है, इसका आप वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि समाज में अनुभव के द्वारा जो ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, अगली जो इसमें विशेषता आती है वह होती है जीव हत्या, जीव हत्या का विरोध। ठीक है, क्योंकि ये सब संत कवि थे और संत कवि चाहे वो मानव हो, प्रकृति हो, जीव हो, जंतु हो, तो उसका वो सम्मान करते हैं। उनका विचार यह है कि ईश्वर ने हमको खाद्य रूप में तमाम तरीके के फल, मेवा, दूध, दही सब उपलब्ध किया है, तो उसके लिए आप अपने अपना पेट भरने के लिए, अपने स्वाद के लिए आप किसी जीव की हत्या करते हैं, तो इसका इन्होंने निंदा किया है। जीव हत्या का इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया है। कबीरदास जी ने कहा है जैसे बकरी पाती खात है और ताकी काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल, कि मतलब आप निरीह पशुओं का, निरीह जानवरों को मार करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं, तो ऐसा इस काव्यधारा के सभी कवियों ने विरोध किया है। अगली जो इसमें विशेषता आती है वह है सत्कर्म की प्रेरणा। ठीक, सत्कर्म से तात्पर्य है कि व्यक्ति को इस संसार में, इस समाज में ऐसे कर्मों को आप करिए जिससे आप भी सुखी हो, सामने वाला भी सुखी हो, ऐसा बात करिए, व्यवहार करिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, सद्भाव के साथ रहिए। जब आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी भविष्य आपका उज्ज्वल होगा, क्योंकि जब आप गलत कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो जब आप अच्छा कर्म करोगे तो भविष्य में आपको अच्छा फल मिलेगा, और आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा कर्म उसका फल मिलेगा। इसीलिए भक्त कवियों ने कहा कि वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए, कि मतलब जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे और आप कामना आम की करेंगे, तो जैसा आप कर्म करोगे, जब आप आम का वृक्ष लगाओगे तभी आगे चल के आम प्राप्त होगा, और जब आप बबूल का वृक्ष लगाओगे तो वो तो केवल आपको भविष्य में काटा कूटा ही उपलब्ध कराएगा, वो आपको फल खाने के लिए तो देगा नहीं। तो मतलब जिस तरीके के इस समाज में आप कार्य करोगे वो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।